यूपी के रायबरेली पुलिस को अपराध पर लगातार नकेल कसने की सफलता हाथ लग रही है। लंबे समय से शहर के कई क्षेत्रों में चोरियों को अंजाम देने वाले दो साथी चोरों को रायबरेली की मिल एरिया पुलिस ने उनके पास से 4 किलो चांदी व 1 तोला सोने के साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया। दोनों ने हाल ही में एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर वहाँ से लाखों के जेवरात चोरी किए थे। कल रात्रि गश्त के दौरान दोनों को पुलिस की टीम ने दबोच लिया। खाकी की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स लवकुश व ओम नारायण हैं। ये दोनों साथी चोर हैं और गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये बंद मकानों व दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। इन्होंने मई में एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया और 22 जून की रात इन्होंने जिले के मील एरिया थाना क्षेत्र के हरदासपुर में लकी ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। दुकान से इन्होंने सोने व चांदी के कई जेवरात लेकर चंपत हो गए। ये दोनों ही इतने शातिर थे कि शब्बल से दुकान का शटर उठाकर चोरी की वारदाताओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने कल रात गश्त के दौरान इन्हें सारदा नहर ओवर ब्रिज के पास से दबोच लिया और जब इनकी जमा तलाशी ली तो इनके पास से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने चोरी किए गए 4 किलो चांदी के जेवरात व 10 ग्राम सोने के जेवरात बरामद कराए। दोनों की निशानदेही पर चोरी में इस्तेमाल किया गया शब्बल भी बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। रायबरेली से जिला ब्यूरो चीफ अनुभव शुक्ला की खास रिपोर्ट। सर, खुलासा जो किया गया, क्या है खुलासा, कहाँ से किया? कल रात इंस्पेक्टर मेल एरिया अपनी टीम के साथ चेकिंग में मामूली थे। इसी दौरान दो व्यक्ति सौदा नहर के पास संदिग्ध हालत में उन्होंने उसको पकड़ा, जिनके पास से तमंचा और कुछ जेवरात बरामद हुए। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला इन्होंने इनका नाम लवकुश पासी और ओम नारायण, जो मलेरिया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और पूछताछ पे इन्होंने मिल एरिया में अप्रैल और मई में होने वाली दो बड़ी चोरियों का खुलासा किया। इनके पास उसी दौरान बरामदगी में काफ़ी सारा सामान भी मिला, जो बाद में जांच में दूसरी चोरियों से कनेक्ट हुआ। जो कुल सामान इनके पास बरामद हुआ उसमें करीब 4 किलो चांदी के जेवरात हैं और करीब 1 तोला सोना है। इनके पास एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ और एक शब्बल भी बरामद हुई और 6,000 रुपये भी बरामद हुए। और ये मिल एरिया में मई में और जून में होने वाली दो चोरियों का माल था जो उससे कनेक्ट हुआ। इस खुलासे पर पुलिस अधीक्षक